क्रिकेट के महाज पर रिवायती हरीफ को बड़ी शिकस्त, पाकिस्तान इमर्जिंग एशियन चैंपियन बन गया। फाइनल में शाहीनों ने फरार के सब रास्ते बंद किए, भारत सरेंडर करने पर मजबूर। ग्रीन शर्ट्स ने 352 रन का पहाड़ खड़ा किया। सर करने की कोशिश में इंडियन बल्लेबाज एक एक करके मलबे तले दब गए, 128 रन से शिकस्त। कोलंबो में जीत का जश्न। फैसलाकुन मार्के में तैयब ताहिर ने अपने बैट से भारतीय बॉलर्स पर लाठी चार्ज किया, 108 रन की दिलकश इनिंग, 12 चौके लगाए, 4 बार गेंद फजाई रास्ते से बाउंड्री के पार फेंकी। साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मिलिट्री तंसीबात पर हमला करने वालों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया। निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा, एक शख्स ने खारिजा पॉलिसी को तबाह कर दिया, साबिक हुकूमत ने तबाही हमारी झोली में डाली, पार्टी छोड़ कर जाने वाले वापस आ जाएं, रास्ता भूलने वालों का खैर मकदम करेंगे। वडेरों को गवारा नहीं, गरीब के बच्चे पढ़ लिख जाएं, इसलिए वो दानिश स्कूलों की मुखालिफत करते रहे। धांधली के जरिए जो बहरूपिये यहाँ पर कामयाब करवाए गए, आपने अपने वोट की ताकत से उनको शिकस्त फाश देनी है। 2018 का बदला लेना है आपने, लेकिन अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। वजीर आजम ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशी टोले का सरबरा साकिब निसार को करार दे दिया। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गुज़श्ता इंतखाबात में बहरूपिये को कामयाब कराया गया, नून लीग को वोट देकर 2018 का बदला लेना है, पाकिस्तान 10 साल में भारत से मुआशी मैदान में टक्कर लेगा, ये जादू टूने मोमबत्ती और लालटेन जलाने से नहीं होगा। राणा साहब कुकर छोले खाओ, इन्हें मेहरबानी। बाबा जी तो मानता तुझे बड़े जवान हो, बह जाओ मेहरबानी करके। इन्हें बाबा जी उन्हें बैठा के रखो, बाकी सब खैर है। मैं राणा साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सब को श्री पाए खिलाएं इंशाल्लाह। किताब में पंजाबी जुमलों का तड़का, नारे लगाने वाले नौजवानों को कुकड़ छोले खिलाने का ऐलान, वजीर दाखला की ड्यूटी लगाई, जोशीले बाबे को बैठने का भी कहते रहे। आप यकीन करें कि ये 14 माह की हुकूमत जो है, ये कोई पुलिस राज से कम नहीं थी, ये इतनी मुश्किल हुकूमत थी कि ये मैं नहीं समझता कि मियां शहबाज शरीफ जैसा आदमी जो है वो उसके अलावा कोई आदमी जो है ये टाइम पूरा कर सकता था। हमारी 14 माह की हुकूमत किसी पुलिस इराद से कम नहीं, वजीर दाखिला राणा सनाउल्ला की पीटीआई की साबिक हुकूमत पर सख्त तनकीद, कहा हमारे मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाई गई। चेयरमैन पीटीआई अब कहते हैं, मैंने इलेक्शन लड़ना है, मेरे खिलाफ कोई केस ना बनाया जाए, इन्होंने जो गुनाह किया है उसकी सजा मिलेगी। पाकिस्तानी सियासत के फैसले, दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीर पगारा से राबता, निगरान वजीर आजम बनाने की पेशकश कर दी, कहा अगर आप ओहदे के लिए राजी नहीं तो अपने किसी बाएतमाद साथी का नाम दे दें, यकीन है तमाम जमातें आपके नाम पर इत्तेफाक कर लेंगी। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो भी दुबई में मौजूद, मौलाना फजलुर रहमान का भी जल्द पहुँचने का इम्कान। हुकूमती इत्तेहादी जमातें निगरान सेटअप के लिए मुतहर्रिक, एमकेएम ने हुकूमत से मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, सीनियर डेप्टी कन्वीनर्स डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और राबता कमेटी रुकन अमीनुल हक शामिल। हुर्मते कुरान पर जान भी कुर्बान, गुस्ताखी के खिलाफ कराची में एहतजाज,
मुजाहिरीन ने स्वीडिश सदर का पुतला जलाया। स्वीडन और इसराइल के परचम नजर आतिश। मौलाना फजल रहमान ने खिताब में कहा, मलून ने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया। इस्लामी दुनिया स्वीडन से अपने सफीर वापस बुलाए। इसराइली एजेंट्स के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। मानसून की मूसलाधार इनिंग्स ने कई घर उजाड़ दिए। मुख्तलिफ वाकयात में 9 अफराद जान बहक। स्कर्दू में मुसाफिर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मदीन में घर पर तोदा गिरने से 2 अफराद जान से गए। बटग्राम में पहाड़ी तोदा 2 बच्चियों की जान ले गया। दरियाए नीलम में एक शख्स डूब गया। चलास में सैलाबी रेला मुतादिद घरों को बहा ले गया। हडूर के मकाम पर शहराए कुराकरम बंद। शिगर में नदी नाले बिफर गए। चेहरे कायद में अब्रे करम की बरसात। गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, डालमिया और स्टेडियम रोड पर तेज हवाओं के साथ बारिश। आईटी कोर्सेज का टेस्ट रोक दिया गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद और गिरदुनवा में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हेस्को के 45 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सावन की झड़ी। गंबट और सुजावल में काली घटाएं जमकर बरसी। सांगढ़ की गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। कश्मोर, सिब्बी, नौशहरो, फिरोज, उमरकोट, खैरपुर और सादिकाबाद में भी बरसात। आजाद कश्मीर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। राजनपुर में हजारों एकड़ अराजी जेरे आब। महकमा मौसमियात की 26 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में मॉनसून का ताकतवर स्पेल बरस पड़ा। लसबेला की पुराली नदी में तोगयानी। दना सदूरी बंद टूट गया। लाखड़ा में मुतादिद गांव डूब गए। बसीमा में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। दर्जन दुकानें और घर जेरे आब। सिबी और कोहलू में मूसलाधार बारिश। सैफुला डैम भर गया। नसीराबाद में सैलाब का अलर्ट जारी। बोलान नदी बिफर गई। पिंजरा पुल जेरे आब आने से ढाडर और सिबी का राबता मुनकता। पंजाब के दरियाओं की बिफरी मौजें बेकाबू। लाहौर में दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूट गया। पानी कई देहात में दाखिल। शाहदरा के मकाम पर बहती लाश निकाल ली गई। शकरगढ़ के करीब सैलाबी पानी से हजारों एकड़ पर फसलें जेरे आब। दरियाए सतलुज में हैंड गड्डा सिंह और हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। जहलुम और चनाब में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। पंजाब में सैलाब का खदशा। रेड अलर्ट जारी करने का फैसला। निगरान वजीरे इत्तला पंजाब आमिर मीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में दोबारा बारिशें हुई तो 1988 की तरह शाहदरा डूब सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सेहतमंद गिजा तंदुरुस्ती सदा मुहिम का ऐलान। कहा, शफाफ मालूमात की बिना पर खुराक का इंतखाब अवाम का हक है। हर रेस्टोरेंट खानों की मुकम्मल कैलोरी से सारिफ को आगाह करेगा। पैक शुदा अशिया पर गिजायत की मुकम्मल मालूमात शाया की जाएंगी। ट्रांस फैट एसिड को सिर्फ 2% तक महदूद किया जा रहा है। अस्पताल, वीरान और खेलों के मैदान आबाद रहने चाहिए। करोड़ों की सब्सिडी से अवाम को रिलीफ न मिला। लाहौर के इतवार बाजारों में हर चीज महंगी। चावल 330, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 575 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 875, भिंडी 130, सब्ज मिर्च 125 रुपए किलो बिकने लगी। अंडे फी दर्जन 253 रुपए के हो गए। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। इनका एक तो म्यार नहीं ठीक है, दूसरा 2 नंबर चीजें ये सारी, तीसरा ये जो गली सड़ी बेचते हैं ज्यादा। एक तो चीजें भी सही नहीं, दूसरी बात है ये महंगाई बहुत है, बहुत महंगी। कोई सब्जी भी 200-250 से कम नहीं है। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी का खदशा। आइंदा इलेक्शन के लिए फील्डिंग सेट करनी शुरू कर दी। शिबली फराज और उमर अयूब को अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी। दोनों रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुशावरत से तमाम वसाइल ग्रोएकार लाएंगे।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कोयटा में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्क पर करप्ट टोला मुसल्लत है। पीटीआई, पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गयी। बिजली महंगी करके अवाम पर जुल्म किया गया। बलोचिस्तान में तालीम सेहत समेत कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। पीडीएम से इत्तेहाद नहीं हो सकता। आइंदा इंतखाबात बर वक्त होंगे, ताखीर का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कौमी असेंबली की जैसे ही आईनी मुद्दत पूरी होगी इख्तदार से अलग हो जाएंगे। मुशावरत के बाद निगरान हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। बहुत वक्त जाया हो चुका, अब मुल्क को दुरुस्त सम्त में गामजन करना होगा। नुमाइशी और वक्ती मंसूबों की बजाय ठोस और मुस्तकिल फैसले करेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का पार्टी सेक्रेटेरिएट में इजहार ख्याल। कहा, पार्टी प्लेटफॉर्म से जिंदगी के तमाम शोबों के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देंगे। कराची वालों के लिए जदीद सफरी सहूलतें। पीपल्स बस सर्विस के लिए मजीद बसें पहुंच गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंह शर्जील मेमन ने ट्वीट किया, नई गाड़ियां नए रूट्स पर चलेंगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद खेप कराची पहुंचेगी। शहरियों को बेहतर और सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करना सिंध हुकूमत की तरजीह है। नए तालीमी साल के आगाज में चंद रोज बाकी, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और पब्लिशर्स के दावे धरे के धरे रह गए। निसाबी किताबों की अदम दस्तयाबी ने वालिदैन को परेशान कर दिया। दुकानदारों का कहना है, नई किताबें 100% महंगी होने के बायस दस्तयाब नहीं। डीआईजी शारिक कमाल की मौत का मामला उलझ गया। होंठों और दांतों पर खून के निशानात, जिस्म अकड़ा हुआ, किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। बाएं कोहनी पर जख्म का एक पुराना निशान। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। गुज़श्ता रोज डीआईजी शारिक जमाल लाहौर में वाके घर में मुर्दा पाए गए थे। मोहब्बत सरहदों की मोहताज नहीं। भारतीय लड़की पाकिस्तानी लड़के के इश्क में दीर बाला पहुँच गयी। अंजू की नसरुल्ला से फेसबुक पर दोस्ती हुई, दोनों ने बाकायदा तौर पर निकाह भी कर लिया। और बुलंद पहाड़, बहते झरने, देवमालाई हुस्न, स्कर्दू के दामन में वाके छुमक वादी कुदरती हुस्न से मालामाल। सयाहों का कहना है कि अगर वादी तक पहुंचने के लिए ट्रैक बना दिया जाए तो सयाहत में इजाफा होगा।